गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, चलिए चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ छोले भटूरे खाने के लिए, आज छोले कुलचे देखते हैं। मेरे दीदी ने एक होटल सजेस्ट किया है, तो उधर जाते हैं, देखते हैं कैसा है खाना, हम बताते हैं आपको। चलिए चलते हैं। सो हाय गाइस, लोकेशन पर पहुँच चुके हैं हम। तो मेरी दीदी का सजेशन था ये, तो देखते हैं चले कैसा है, बताता हूँ आपको कैसा है। मेरे को लगता है गाइस क्लोज है शॉप, देख अब मेरे को लगता है शॉप क्लोज है, कोई दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलते हैं देखते हैं। गाइस तो चालू है, पर उन्होंने कहा है कि वो बनाने का परमिशन नहीं दिखा सकते, तो इसलिए आई थिंक सो चलिए डायरेक्ट टेस्ट के पास चलते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता मेकिंग का। चलिए ब्लॉग तो बड़ा करना है, देखेंगे क्या करेंगे। तो आ गाइस, तो मेरे को मेकिंग का नहीं बनाने दिया, ऐसे मैंने नीचे बोला, तो उनका रीज़न पर्सनल रीज़न कुछ तो रहेंगे, लेकिन नहीं बनाने दिया। टोटली टाइम में शो करते हैं, आने के बाद दिखाता हूँ कैसा है। गाइस हमारे दो बड़े कुलचे और थोड़ी भाजी आ गई, तो भाजी उतनी है लेकिन काइंड ऑफ इतनी है। चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसे। सो गाइस फाइनली आ चुका है, चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो बहुत अच्छा है गाइस, 4.4 है गाइस आउट ऑफ 5। गाइस बिलो है 205। गाइस मैंने ड्यू ले लिया है इसका। गाइस टेस्ट तो बहुत अच्छा था, पर आई थिंक इट इज लिटिल बिट ऑफ ओवर कॉस्ट। और गाइस आपको अगर आना है तो सिर्फ रात को आओ गाइस, सुबह नाश्ते को मत आओ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा दिखाया है पर उतना है नहीं सुबह सुबह, उसने बोला वो शाम को ही मिलेगा 4 बजे के बाद। तो गाइस मेरे को ऐसा लगता है तो आपको आना है तो 4 के बाद ही आओ, वरना मत आओ। दैट इज दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू गाइस, ऐसा नहीं बोल रहा है होटल ने अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था, सिर्फ आई थिंक थोड़ा ओवर बजट था, वो तो थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन टेस्ट गाइस देखने को गए तो बहुत अच्छा था वैसे देखने को गए तो। तो गाइस आई थिंक सो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ऐसे ही बताते रहो गाइस, मिलते करो, सपोर्ट करते रहो गाइस। तब तक आएंगे, अगली बार जरूर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।